डिमांड था कि सर हम लोग को सैलरी टॉपिक डिस्कस कर दीजिए। लास्ट वीडियो हमने किया था और उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सैलरी। इनकम टैक्स में हमारा ये पहला हेड है इनकम का, तो हम लोग ये जो सैलरी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके नवंबर के एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट भी है। हम लोग सैलरी में जो हमारे सेक्शंस हैं, बहुत कम सेक्शंस हैं, बट सर इसके अंदर जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे सेक्शंस जो हैं वो है सैलरी का सेक्शन 15, 16 एंड 17, एंड प्लस साथ में हम लोग कुछ एग्जम्पशन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, दैट्स अ सेक्शन 10। ओके, तो हमारा सबसे पहले तो सैलरी इनकम अगर है तो हाउ टू कैलकुलेट, हम लोग सैलरी इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटेशन देख लेते हैं कि सैलरी इनकम को कंप्यूट हम लोग किस तरीके से करेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, हाउ टू कंप्यूट इट, सैलरी इनकम कंप्यूट कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मेट है। तो सैलरी इनकम जब भी कंप्यूट कीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि भाई बताइए मिस्टर राम का, मिस्टर मोहन का, मिस्टर सोहन का, सीता का, गीता का, किसी का भी, एक्स वाई जेड का, कि भाई सैलरी इनकम कंप्यूट करना है। तो उस सैलरी इनकम को कंप्यूट करने का फॉर्मेट है, सबसे पहला आता है, फर्स्ट आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, पहला आएगा सर फर्स्ट पार्ट। अब ये क्या है मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसके बाद दूसरा सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, फिर हम लोग का आएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। ये सैलरी के तीन इनकम के सेक्शन है, ये सैलरी के थ्री इनकम्स हैं, ये तीनों इनकम हम लोग कंसीडर करेंगे। साथ में ये जो इनकम हम लोग कंसीडर करेंगे, ये सारे इनकम सिर्फ टैक्सेबल होंगे बट सेक्शन 10 के एग्जम्पशन के बाद। तो ये इनकम जो है टैक्सेबल है आफ्टर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10। तो हमारा ये टैक्सेबल इनकम है, लेकिन सेक्शन 10 के एग्जम्पशन के बाद जो है ये इनकम हमारा टैक्सेबल होगा। जब इस इनकम को हम लोग ऐड करेंगे तो दैट्स नेम इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी आ गया आपका। अब इस ग्रॉस सैलरी में हम लोग सिर्फ यहां पे कुछ डिडक्शंस आपको मिलेंगे। हमारे जो डिडक्शंस है वो तीन डिडक्शन है। पहला है सेक्शन 16 क्लॉज 1, 16(2) एंड 16(3). इस तीनों डिडक्शन को माइनस करने के बाद अब फाइनल इनकम आपका आ गया, दिस इज योर नेट टैक्सेबल इनकम, सैलरी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम। दैट्स द फॉर्मेट कि सैलरी इनकम को कंप्यूट करना है तो हाउ टू कंप्यूट इट, किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, तो इसका ये फॉर्मेटिंग, यही फॉर्मेट है। तो आपको भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो बी केयरफुल, पहले आपको इसी फॉर्मेट में आपको सैलरी इनकम कंप्यूट करना है। तो सबसे पहला सेक्शन 17(1) का इनकम कंसीडर करेंगे, 2 का इनकम कंसीडर करेंगे और 3 का करेंगे, लेकिन ये तीनों इनकम कंसीडर करेंगे विद सेक्शन 10 के एग्जम्पशन के बाद। कुछ एग्जम्पशन हमको मिलेंगे, जैसे कुछ इनकम आया लेकिन वो अंडर सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, या सर्टेन अमाउंट एग्जम्प्ट है, तो वो एग्जम्पशन माइनस करेंगे, देयर आफ्टर इट बिकम टैक्सेबल। तो ये अभी पूरा है नहीं, ये क्या है, ग्रॉस इसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें थ्री डिडक्शंस आपको मिलते हैं, ये तीनों डिडक्शन माइनस करने के बाद अब जो इनकम आएगा, दिस इज योर फाइनल नेट टैक्सेबल सैलरी इनकम है आपका ये। तो अब आते हैं हम लोग एक एक करके, हम लोग को यही सेक्शंस पढ़ने हैं। देखिए मैंने पहले आपको सेक्शन 17, सेक्शन 16 ये दो यहां पे आ गए, और एक सेक्शन 15 भी हम लोग पढ़ेंगे और प्लस सेक्शन 10 भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या चीजें यहां पे आएंगी, हम लोग इसके बारे में अब जरा जान लें कि ये क्या क्या टॉपिक इसमें आएगा। ओके,
तो हमारा सर यह जो सेक्शन 17(1) में है, पहला पार्ट है कि जो मॉनेटरी अमाउंट हमको एम्प्लॉयर से मिलता है, मॉनेटरी अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, चाहे उसका नाम जो भी हो, जो भी मॉनेटरी अमाउंट, बेसिक डीए, कमीशन, बोनस, कुछ भी, ग्रेचुटी, एनीथिंग, अगर जो मॉनेटरी अमाउंट हमको एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो आपका कहाँ आएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में, मॉनेटरी अमाउंट से रिलेटेड। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 है, दैट्स द कॉल इज परक्विजिट, शॉर्ट में हम लोग इसको पर्क्स कहते हैं। परक्विजिट पर्क्स का मतलब है कि एम्प्लॉयर से हमको क्या मिल रहा है, कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, जैसे हमको घर मिल गया, हमको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, हमको एजुकेशन फैसिलिटी हमको मिल गई, तो कुछ बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो बेनिफिट का वैल्यूएशन हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। एंड एक सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 है कि एम्प्लॉयर से हमको एक बेनिफिट मिल रहा है बट एक्चुअली वो सैलरी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर से मिल रहा है सो इट बिकम सैलरी, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी। ये क्या है, ये हम लोग सेक्शंस में आएंगे तो इसका डिटेल डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल फॉर्मेटेशन जो है इसका, कंप्यूटेशन का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा मॉनेटरी अमाउंट जो हमको मिल रहा है एम्प्लॉयर से, ये हो गया जो बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं, ये है प्रॉफिट है इन लियू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले अगर कोई बेनिफिट्स हमको मिल रहा है। इसके बाद हमारा है डिडक्शंस में, तीन है, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन कि सैलरी इनकम अर्न करने के लिए अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर सेक्शन 16(2) में है सर एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड लास्ट है सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। अब ये क्या है, कैसे कर लेना है, इसका इनकम कैसे कंप्यूट करना है, ये हम लोग सेक्शंस में आएंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट मैंने आपको अभी फिलहाल बताया कि हाउ टू कंप्यूट योर सैलरी इनकम, कि आप सैलरी इनकम कंप्यूट कैसे करेंगे और इसके फॉर्मेट कैसे है, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग अब आते हैं एक एक करके हम लोग स्टार्ट करें कि सैलरी हमारा क्या है और किस तरीके से हम लोग उसका इनकम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है कि सर कोई भी इनकम, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पांच इनकम है, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, कैपिटल गेन है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज कि साहब ये वाला जो पैसा है ये सैलरी इनकम है, ये वाला जो पैसा है ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ये वाला जो पैसा है ये हमारा बिजनेस का इनकम है, ये चीजें कैसे रिकॉग्नाइज होती हैं? तो उसको हम लोग सर कहते हैं सैलरी में कि भाई ये इनकम सैलरी इनकम है, हाउ टू रिकॉग्नाइज। तो दैट्स द मीनिंग, इसका जो मीनिंग है कि साहब एक छोटा सा वर्ड है, दैट्स द नेम इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से कोई अमाउंट जेनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अराइज हो रहा है, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड सैलरी। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सैलरी कहेंगे। तो रिलेशनशिप यहां क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, मास्टर और सर्वेंट का, मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप से जो अमाउंट क्रिएट हो, जेनरेट हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सैलरी, उसी को हम लोग सैलरी इनकम कहेंगे। आप मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, और मैं आपको पैसे देता हूं, तो आपके हैंड में वो अमाउंट क्या हो गया, सैलरी। मैं भी मान लीजिए किसी एक्स वाई जेड कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मुझे पैसे मिलते हैं वहां से, तो भाई मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो सैलरी है। तो सैलरी के लिए कि भाई ये अमाउंट सैलरी है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, वर्ड है क्या, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप से जो अमाउंट क्रिएट हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सैलरी इनकम। अब हम लोग सर अकाउंट्स की क्लास में, हम लोग क्लास 11 से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अकाउंट्स में एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, सैलरी भी पढ़ा था अकाउंट्स में, और एक वर्ड था वेजेज। तो सैलरी और वेजेज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग था, बट इनकम टैक्स में सैलरी एंड वेजेस का ट्रीटमेंट एक ही है, नाम अलग है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए दैट्स द मीनिंग इज डिफरेंट, बट एज पर इनकम टैक्स कोई डिफरेंस नहीं है वेदर इट इज ए सैलरी एंड इट इज ए वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस कंसेप्चुअली नॉट डिफर फॉर द कंप्यूटेशन पर्पस, ठीक है। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पॉइंट पे आते। तो सैलरी में सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं सैलरी में। तो जैसे मैंने एक जनरल पॉइंट आपको बताया कि सैलरी एंड वेजेस में कोई फर्क नहीं है। दूसरा चीज है कि सैलरी सर हम लोग को सिर्फ एक जगह से आ सकता है या बहुत सारी जगहों से आ सकता है।
आपको बहुत सारे जगहों से आ सकता है, जरूरी नहीं कि सैलरी सिर्फ वन सोर्स से ही आए, मोर देन वन सोर्स भी आपका सैलरी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप एक्स कंपनी में काम करते हो सुबह में 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और वहां से आपको 5 लाख मिलता है, तो वो आपका सैलरी। अच्छा, इसके बाद शाम में आप 7 बजे से 9 बजे तक एक पार्ट टाइम काम करते हो, वहां से भी आपको 1 लाख रुपया मिलता है, तो वो जो 1 लाख मिल रहा है वो क्या है? वो मेरा सैलरी नहीं है। बिल्कुल, वो भी सैलरी है। तो सैलरी हमारा पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। फुल टाइम काम कर रहे हैं वहां सैलरी मिल रहा है, कहीं पे पार्ट टाइम भी काम करते हैं। रिलेशनशिप वहां भी क्या है? हमारा रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ही रिलेशनशिप है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से जो भी अमाउंट आए, दिस इज कॉल्ड सैलरी। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कैसा होगा? सर, एक एम्प्लॉयर है सर प्रेजेंट, मान लीजिए मैं अभी एक्स लिमिटेड में काम कर रहा हूं और मुझे सैलरी 5 लाख मिल रहा है, ठीक है। और मैं एक बार, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि एक कंपनी है सर, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, और एक कंपनी है एक्स, मान लीजिए ए लिमिटेड है एक कंपनी, एक कंपनी है बी लिमिटेड और एक कंपनी है सी लिमिटेड। अच्छा, मैं यहां काम करता था सर, वॉज है, मैं यहां काम कर रहा था पहले, यहां मैं आज काम कर रहा हूं, यहां पे सर इज है, प्रेजेंट है, और यहां मैं काम करने वाला हूं, यहां पे शैल है, विल है, मैं यहां काम करूंगा सर फ्यूचर में, और आज टुडे मेरे को बी लिमिटेड से पैसा मिल रहा है सर 5 लाख, ये क्या है सर? सैलरी है। अच्छा, आज मुझे ए लिमिटेड से 1 लाख रुपया मिल रहा है, ये क्या है सर? या मुझे सी लिमिटेड से पैसा मिल रहा है 2 लाख रुपया, ये क्या है सर? ये तो सर सैलरी है, बट सर एक्स हमको ए लिमिटेड से 1 लाख रुपया मिला, ये सैलरी है या नहीं है? या मुझे सी लिमिटेड से पैसा मिल रहा है 2 लाख, ये सैलरी है या नहीं है? प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां काम कर रहा था और यहां पे मैं काम करने वाला हूं, अभी काम करने जा नहीं रहा हूं, मैं अभी करूंगा इन फ्यूचर टेंस, बट आज टुडे मुझे इससे भी पैसा मिला, या मुझे आज इससे भी पैसा मिला, मैं यहां काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज पैसा मिल रहा है। तो सर आप एक चीज गौर करो, इनको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मर एम्प्लॉयर। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट एम्प्लॉयर। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। लेकिन लास्ट में एक वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? एम्प्लॉयर। और मैंने अभी जस्ट आपको बोला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से कोई भी अमाउंट जनरेट हो, क्रिएट हो, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? तो दैट बिकम टैक्सेबल इन सैलरी हेड में, तो वो आपका सैलरी हेड में ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है भाई? मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अभी है या पहले था या होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर है, दैट्स ऑल, इट्स एनफ। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से जो भी अमाउंट आए वो हमारा सैलरी हेड में आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। सैलरी में एक वर्ड आपको हमेशा आएगा, दैट्स द नेम इज कॉल्ड पे स्केल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में भी आपको पे स्केल दिया रहता है। ये पे स्केल होता क्या है एंड पे स्केल का सैलरी कंप्यूटेशन में क्या रेलिवेंसी है? एक कंप्यूटेशन का एक छोटा सा पार्ट है ये, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको रहेंगे, तो मैं जरा उसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लो आपने कहीं देखा भी होगा, अगर इस तरह का लिखा हुआ है पे 20,000-5,000-50,000, ये लिखा हुआ है सर, इस तरह का आपने कहीं लिखा हुआ देखा, तो इसको हम लोग कहते हैं सर पे स्केल है ये। व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, नौकरी आपने अपॉइंट, जब ज्वाइनिंग आपने की, तो आपको पहला साल, फर्स्ट ईयर, पूरे एक साल तक आपको सैलरी कितना मिलेगा? 20,000 रुपीज मिलेगा। जस्ट एक साल के बाद, एक साल खत्म होगा, जस्ट उसके बाद आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। अब सैलरी कितना हो जाएगा? 5,000 से इंक्रीज कर जाएगा, अब आपको सैलरी मिलेगा 25,000, फिर पूरे एक साल मिलेगा, फिर उसके अगले साल फिर क्या होगा? फिर वंस अगेन 5,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो 25,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 30,000, तो 30,000 फिर पूरे आपको एक साल मिलेगा, फिर अगली बार 5,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि सर ये 5,000-5,000 से एनुअली मेरा सैलरी इंक्रीज करता जाएगा,
और तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि मेरी सैलरी कितनी नहीं हो जाती है, 50,000 नहीं हो जाती है। तो दैट्स द कॉल इज पे स्केल। तो हम लोग का फर्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 × 12 पहला साल पूरा। सेकेंड ईयर हमारा क्या हो जाएगा सर, सेकेंड ईयर तो 25,000 हो जाएगा × 12। थर्ड ईयर हमारा क्या हो जाएगा तो 30,000, यानी मेरी सैलरी हर 5,000 से क्या होगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। तो दैट्स द कॉल इज पे स्केल। तो पे स्केल में सर, जब क्वेश्चंस में पे स्केल दिया रहता है तो सर सबसे पहला टेंशन यही होता है कि बेसिक पे हमारा क्या है, सैलरी का बेसिक पे क्या है। तो मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ अभी और आगे। सपोज करो कि आपने नौकरी ज्वाइन कब की थी। तो मैंने नौकरी ज्वाइन की थी सर, मेरा ज्वाइन था, ज्वाइनिंग डेट था 1 जनवरी 2019 को मैंने ज्वाइन किया, या 18 करते हैं सर, 1 जनवरी 2018 को मैंने ज्वाइन किया। तो आपकी सैलरी अगले साल यानी अगला साल कब होगा, तो 1 जनवरी 2019। फिर उसके बाद अगला सैलरी कब होगा, तो 1 जनवरी 2020। तो आपकी सैलरी सर हर एक एक साल बाद बदलती जाएगी, 5,000 से इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन हमारा प्रीवियस ईयर है सर 1920। तो मेरा प्रीवियस ईयर 1920 का मतलब क्या हो गया कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक मेरी सैलरी क्या होगी सर। तो अब ये पे स्केल पे हमको काउंट करना होगा कि भाई हमारा इस पे स्केल से आप देखो कि आप किस फ्रेम में आप आ रहे हो। जैसे अब मैं आपको फ्रेम दिखा रहा हूं, तो 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 तक आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, 20,000। और फिर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 25,000। और फिर 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 30,000। अब आप देखो कि सर मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो किस फ्रेम में आ रहा है। तो पहले वाले फ्रेम में नहीं आ रहा है सर, मेरा प्रीवियस ईयर इस वाले फ्रेम में आ रहा है। लेकिन इस वाले फ्रेम में आ रहा है तो कब से आ रहा है, तो ये आ रहा है सर मेरा यहां पे 1 अप्रैल 2019 से कब तक, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019, यानी कितने दिन हुआ सर, 9 मंथ। और फिर इसके बाद इस फ्रेम में भी आ रहा है, इस फ्रेम में आ रहा है 1 जनवरी 2020 से लेके कब तक, तो 31 मार्च 2020, यानी 3 मंथ्स आ रहा है। हो गया ना सर 12 मंथ्स आपके। तो अब देखिए आपके प्रीवियस ईयर का कंप्यूटेशन करने के लिए सैलरी कितना कंसीडर कीजिएगा, तो इस फ्रेम में आपको कितना मिला है सर, देख लीजिए इस फ्रेम में यहां पे है तो 25,000 रुपीज, 25,000 × 9। और इस फ्रेम में कितना आ रहा है, 3 मंथ्स, इस फ्रेम में सैलरी कितना है, 30,000 पर मंथ है, तो 30,000 × 3। तो दैट्स द कंप्यूटेशन फॉर्मेट में भी कि आपको ये देखना है कि मेरा फ्रेम जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किस फ्रेम में आ रहा है, और उस फ्रेम में हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको पे स्केल दिया रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको दिया रहेगा, और आपको कंप्यूट करना होगा कि आपके प्रीवियस ईयर, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, तो इस फ्रेम में मेरा कौन सा सैलरी आ रहा है। तो मेरा देखिए ये वाला भी आया 9 मंथ्स के लिए, और ये वाला कितना आया आपका, 3 मंथ्स के लिए आया। तो दैट्स माई सैलरी, कि भाई ये मेरा सैलरी इनकम होगा कौन सा, बेसिक सैलरी इनकम होगा। तो ये कंप्यूटेशन पार्ट है, ये आपको ऑलवेज रहेगा क्वेश्चंस में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी कि सैलरी का मतलब क्या होगा। तो इम्प्लॉयर इम्प्लॉय का रिलेशनशिप पे हमको ध्यान रखना है। सैलरी नॉट मोर देन वन, एक ही सोर्स से सैलरी आएगा ये जरूरी नहीं है, मोर देन वन सोर्सेज से भी आपको सैलरी आ सकता है। असली जो मेन वर्ड है वो वर्ड क्या है, एम्प्लॉयर वर्ड है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड सैलरी। एक केस और है हमारा कि एक जनरल पॉइंट और मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं सर। मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया सर, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में 12 मंथ्स मैंने काम किया, 12 महीना मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा काम किया, ठीक है। लेकिन मुझे जो पेमेंट मिला है, जो अमाउंट पेंड हुआ है, ओनली 10 मंथ का है, और 2 मंथ का मेरा क्या है, दैट्स द वर्ड इज आउटस्टैंडिंग, कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे 10 महीने का पैसा दिया है, 2 महीने का पैसा नहीं दिया। तो मेरा सैलरी टैक्सेबल कितना होगा, किस बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होगी उसकी,
या एक केस ऐसा भी है सर, दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड केस ये है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 12 मंथ्स मैंने काम किया है और मुझे पैसे मिल गए हैं पूरे 12 महीने के, लेकिन मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट किया और मेरा एम्प्लॉयर ने मुझे एडवांस भी दे दिया, तो 3 मंथ्स का मुझे एडवांस दे दिया है, तो इस केस में देखिए मुझे 15 महीने का पैसा मिला है और इस केस में मुझे 10 महीने का मिला है और 2 महीने का मेरा भी आउटस्टैंडिंग है। तो इस दोनों केस में हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल, तो ये है हमारा पहला सेक्शन सैलरी का, दैट्स द नेम इज सेक्शन 15, पहला सेक्शन है। सेक्शन 15 आपको क्या कहता है, दैट्स द चार्जिंग, कि भाई सैलरी कितना टैक्सेबल होगा, चार्जिंग सेक्शन है। तो बहुत सिंपल वर्ड है, वर्ड ये है ड्यू, पहला वर्ड है ड्यू और दूसरा वर्ड है रिसीव्ड, विच वर इज अर्लियर, दोनों में जो आ जाए उसके बेसिस पे हम लोग सैलरी टैक्सेबल करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखो, आपका सैलरी ड्यू कितने महीने का हुआ था, 10 महीने का या 12 महीने का, तो मैंने काम तो सर 12 महीने का किया है, मैंने काम पूरे 12 महीने का किया है, बट मुझे पैसे मिले हैं सिर्फ 10 महीने के, तो इनकम टैक्स को इससे कोई मतलब नहीं है, दैट्स अ चार्जिंग सेक्शन 15 ये कहता है। ड्यू हो गया ना, यहां इस केस में ड्यू कितने महीने का हो गया, ड्यू कितने महीने का हो गया, तो 12 महीने का, तो टैक्सेबल कितने महीने का होगा, 12 महीने का, भले आपको पैसा अभी 10 महीने का ही मिला, उससे कोई मतलब नहीं। तो दैट्स द फर्स्ट वर्ड ड्यू, और दूसरा इस केस में देखो, इस केस में आपने काम कितने महीने किया है, वर्क आपने किया है 12 महीने का, पैसे भी 12 महीने के मिल गए, प्लस आपको 3 महीने का एडवांस मिला है, 3 मंथ्स का आपको एडवांस मिला है। इस केस में रिसीव्ड वर्ड, अब देखिए रिसीव्ड कितना हुआ है, 15 मंथ का सैलरी रिसीव्ड हुआ है, तो अब इस साल टैक्सेबल कितने महीने का होगा, 12 महीने का या 15 महीने का, तो इसका आंसर होगा कि नहीं सर, इस मंथ में हमारा 15 मंथ का सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू सेक्शन 15, सेक्शन 15 आपका पहला लाइन आपको यही कहता है ड्यू बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल होगा या रिसीव्ड बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल होगा, दोनों में से जो अर्लियर हो, विच ओवर इज अर्लियर, तो ड्यू और रिसीव्ड, विच ओवर इज अर्लियर। अगर सैलरी ड्यू हो गया इट्स ओके, मिला है या नहीं मिला है पैसा उससे कोई मतलब नहीं है, सैलरी ड्यू हो गया इट मींस कि वो टैक्सेबल होगा। और दूसरा, अभी सैलरी ड्यू नहीं हुआ है सर, अभी 12 महीना काम किया, 12 महीना का ड्यू हुआ, पैसा मिल गया, और ये 3 महीना का अभी पैसा मिल गया लेकिन ड्यू हुआ नहीं क्योंकि मैंने अभी काम ही नहीं किया है, मैंने एडवांस ले लिया, तो भी ये टैक्सेबल हो जाएगा, 15 मंथ का होगा इस केस में टैक्सेबल। तो ड्यू और रिसीव्ड, विच ओवर इज अर्लियर, दिस इज सेक्शन 15 का फर्स्ट लाइन था कि सैलरी आपका टैक्सेबल हो। एक और वर्ड है सेक्शन 15 में, दैट्स द नेम इज एरियर सैलरी। अब ये एरियर सैलरी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियर सैलरी, तो एरियर सैलरी का मतलब है कि सर मेरा पैसा बकाया है, एरियर है, मैंने काम कर दिया है बट मुझे मिला नहीं है, तब तो सर उसको ये कहेंगे ना आउटस्टैंडिंग, फिर एरियर क्या है, आउटस्टैंडिंग और एरियर में फर्क क्या है। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि सर मैंने काम कर दिया, मुझे पैसा नहीं मिला। अच्छा, कितना पैसा मिलना है ये सब फिक्स्ड है, पहले से मालूम है, लेकिन एरियर का मामला ये है कि मेरा सैलरी सर इंक्रीज कर गया, मैं 2010 से नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, मैं 2010 से जॉब कर रहा हूं और मेरी सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ थी, और आज 2019 में सर मेरा एम्प्लॉयर मेरी सैलरी इंक्रीज कर रहा है, सर 10,000 से 15,000 कर दिया, बोला भाई अब तुम्हारी सैलरी 15,000 हो जाएगी, लेकिन साथ में एक वर्ड ऐड कर दिया, ये जो 15,000 सैलरी होगी विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी, मतलब सर 2010 से ही तुम्हारी सैलरी हम 15,000 कर देते हैं, तो सर 2010 11 12 13 ये तो बीत गया सर, हम तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 पे हम टैक्स वैक्स भी दे चुके हैं सर, तो अब तो सर 15,000 मेरा एम्प्लॉयर कर रहा है, कब, आज कर रहा है, 2019 में कर रहा है, तो वो सारे पैसे 5,000 पर मंथ के हिसाब से सारे पैसे मुझे कब मिलेंगे, तो 2019 में मुझे मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल कब होगा, पहले टैक्सेबल हुआ था, मालूम ही नहीं था सर कि मेरा सैलरी 15,000 है, उस वक्त तो मुझे मालूम था कि मेरी सैलरी 10,000 है, ये 2019 में मेरी सैलरी इंक्रीज हुई और वर्ड आ गया विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मेरी सैलरी इंक्रीज हुई, तो दैट्स द कॉल इज एरियर सैलरी। एरियर सैलरी वही है और वो टैक्सेबल कब होगा, तो इन द केस ऑफ एरियर सैलरी इट बिकम टैक्सेबल व्हेन इट इज अलाउड,
व्हेन इट इज रिसीव्ड। आई बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट यही था सेक्शन 15 का, इन द केस ऑफ एरियर सैलरी इट बिकम टैक्सेबल व्हेन इट इज अलाउड और रिसीव्ड। जिस साल अलाउ हो या जिस साल आपको रिसीव हो जाए उस साल वो आपका सैलरी टैक्सेबल हो। तो पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन की जो भी सैलरी है हम लोग सेक्शन 17 में पढ़ेंगे, तो जो सैलरी आपका टैक्सेबल कब होगा, व्हेन। तो पहला लाइन आया कि व्हेन इट इज ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, और दूसरा आया सर इन द केस ऑफ एरियर सैलरी व्हेन इट इज रिसीव्ड और अलाउड। तो जिस साल रिसीव्ड हो जाए जिस साल अलाउड हो जाए उस साल आपका वो टैक्सेबल होगा। तो ये था हमारा पहला सेक्शन सैलरी का, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन सेक्शन 15, दैट्स द चार्जिंग सेक्शन कि व्हेन सैलरी बिकम टैक्सेबल। क्लियर?